अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी हाँ बिल्कुल, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तैमूर परदेसी कौन है और उन्होंने क्या क्या फ्रॉड किए हैं। सो गाइस स्टार्ट से तक लाजमी मेरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं परफेक्ट इजी चैनल। करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, हर रोज न्यू टेक्निकल वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर रोज आप नई वीडियो देख सकें। तो गाइस, जो लोग तैमूर भाई को जानते हैं उनको तो पता ही होगा उनके बारे में, लेकिन जो लोग तैमूर भाई को नहीं जानते कि तैमूर परदेसी कौन है, उनको बताता चलूं कि वो पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे और टॉप यूट्यूबर में उनका नाम शुमार होता है। और अगर उनकी वीडियोस की बात की जाए तो वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और अर्निंग के रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और इस तरह के मुख्तलिफ उन्होंने कोर्स भी अपलोड किए हुए हैं। कुछ उनके कोर्स जो होते हैं उनके लिए फ़ीस होती या और कई कोर्स उन्होंने फ्री में अपने YouTube के चैनल पर दिए हुए हैं। लेकिन दो तीन दिन पहले मैंने देखी वीडियो देखी मैंने YouTube पर, और बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ़ बहुत से क्या कि एक दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ़ कोई वीडियोस बनाई हैं कि तैमूर भाई ने ये फ्रॉड किया है मेरे साथ, कि उन्होंने कोर्स जो है वो देना था, मैंने पेमेंट कर दी, उन्होंने कोर्स नहीं दिया, ऐसा वैसा कुछ भी उसने वीडियो बनाई है जो मैंने देखी है। लेकिन अगर आपको कोई भी इस किस्म का मसला होता है तो आप उसका प्रूफ लेकर आएँ सामने कि वाकई यार ये चीज़ हुई है, ठीक है। अगर ये चीज़ हुई है तो आप उसका स्क्रीन शॉट सेंड करें, वीडियो बनाकर सेंड करें कि ये देखें ये हमारी बातचीत हुई है और वो अब मुझसे बात नहीं कर रहे। लेकिन तैमूर भाई की जब मैंने परसों वीडियो देखी है, उस वीडियो के अंदर वो रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? इस वजह से कि मुझे एक ऐसे शख्स ने फ्रॉडी कहा कि जिसका मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और जब उन्होंने उस बंदे से कॉन्टेक्ट किया, रब्ता किया, तो उस बंदे ने आगे से तैमूर भाई को ये कहा कि आप फ्रॉडी नहीं हैं, आपने कोई मेरे साथ फ्रॉड नहीं किया, जस्ट मैं अपने 3 साल पुराने चैनल को ग्रो करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल 3 साल पुराना है और इस पर ना कोई सब्सक्राइबर आ रहा है ना ही कोई व्यू आ रहा है, इसलिए मैंने आपका नाम लेकर थोड़ा सा ट्रेंड में आने की कोशिश की है। तो मेरे भाई, ऐसा आप बिल्कुल मत करें, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा निकलता है। अगर आप इसी को कन्वर्ट कर लेते अच्छे काम में, अगर उनकी आप बायोग्राफी बना देते तैमूर परदेसी ने कहाँ से यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट किया, कैसे ग्रो किया और उनके चैनल में आपको देखने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इससे भी रिलेटेड अगर आप कोई भी वीडियो बनाएंगे तो आप यकीनन आपका नाम जो है वो यूट्यूबर्स में आना शुमार हो जाएगा और आपका चैनल ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। ना कि आप बुरे तरीके से करें कि फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ ने ये कर दिया, इस तरह करने से कुछ भी नहीं होगा, ज़िल्लत ही मिलेगी, इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। काम ऐसा करो कि दुनिया आपको याद करे और अच्छे नाम के साथ आपको याद रखे। और कभी भी ये चीज़ मत करो यार, इतना बड़ा यूट्यूबर उसको देखकर मुझे खुद रोना आ गया, क्योंकि वो भी रो रहे थे यार, क्योंकि जब मैंने ये अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया तो उनको देखकर स्टार्ट किया। चैनल कैसे बनाते हैं वो सारी के सारी मैं उनका चैनल आपको सर्च करके बताता हूँ कि उनका चैनल कैसा है और क्या क्या उन्होंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। सबसे पहले मैं जाता हूँ यूट्यूब में, यूट्यूब अगर ओपन होती है तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ तैमूर परदेसी। तैमूर परदेसी का ये आप देख सकते हैं कि ये वाला उनका चैनल है और यहाँ पर फर्स्ट वीडियो जो उनकी रैंक में जा रही है ये 3 साल पुरानी है। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान में YouTube से पैसे कमाएं, ये सारा तरीकाकार उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अगर उनकी प्लेलिस्ट की बात करें तो जैसे ही हम उनकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्तलिफ किस्म की प्लेलिस्ट और हाउ टू अर्न मनी फ्राम यूट्यूब। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर यह मुकम्मल कोर्स उन्होंने दिया हुआ है कि आप कैसे अपना चैनल बना सकते हैं और अपनी वीडियो कैसे यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं और अपना नाम कैसे आप बना सकते हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि प्लीज़ यार, जो भी पाकिस्तानी भाई हैं या इंडियन भाई हैं, जो भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ कभी भी वीडियो मत बनाएं। हम यूट्यूबर हैं, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि एक दूसरे को टांग खींच कर उसको नीचे गिराने की कोशिश की जाए। ऐसे वो गिरेगा नहीं, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर ऊपर जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करें यार, एक भाइयों की तरह रहें। और जैसे मैंने तैमूर भाई की वीडियो देखी थी कि आप एक दूसरे को गाली मत निकालें, जो भी हुआ जो कुछ हुआ बस छोड़ें उसको और आगे एक अच्छे भाइयों की तरह, एक अच्छे यूट्यूबर की तरह आप अपना काम जारी रखें। सो गाइस, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।